हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज है नवरात्रि का फोर्थ डे। तो गाइस आज हम नवरात्रि से रिलेटेड ही कोई व्लॉग लेकर आए हैं। व्लॉग क्या है कि आज हम रुको क्या मतलब थोड़ी देर बाद बताएंगे। हाँ, आज हम कहीं जा रहे हैं और कुछ लेने जा रहे हैं और लास्ट तक वीडियो देख लेंगे जो भी लेने जा रहे हैं ना। लगने वाली हूँ आज। गाइस हम ड्रेस वगैरह लेने आ गए हैं और अभी दीदी निकाल रहे हैं ड्रेस वगैरह। इससे पहले ये देख लो, इधर के झूमर वगैरह देख लो यार, ये पुरानी हवेली है। देखो बहुत अच्छे अच्छे झूमर है और अलमारी वगैरह है, मस्त लग रहे हैं। आगे अंदर आओ, इसमें ड्रेसेस वगैरह है सारी, इतनी सारी ड्रेस है। और ये हम तो स्पेशली हड्डियाँ वगैरह लेने आए ना। हाँ, कंकाल ये भी लेने हैं अपन को, ये नहीं नहीं लेने। हाँ, और ड्रेसेस वगैरह लेनी है बस सारी। देखो गाइस कितनी ड्रेसेस हैं इनके पास। अभी वो काली माता मैं बताती गाइस हम बता ही देते हैं आपको। गाइस आज हम काली माता का लुक और भी लुक लेंगे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं स्पेशल यहाँ पे काली माता की ड्रेस लेने आई हूँ और भी एक दो ड्रेस लेने आई हूँ, वो हम आपको आगे बताएंगे। अपने ड्रेस वगैरह सब कुछ ले लिया है और अभी इसका बिल बनवाएंगे। दुकान पे इनकी शॉप है, उस पे जाएंगे और इनका बिल बनवाएंगे, लेकिन आपको ड्रेस नहीं दिखाएंगे गाइस। लास्ट में जब हम ये लुक लेंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैं बोल रही हूँ आपको, एक मिनट के लिए स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो गाइस मैं बता देती हूँ, हम जो रेंट पर ड्रेस लेके आए थे उसके हमारे 1500 रुपये लगे। और ड्रेस हम क्या लाए थे मैं बता ही देती हूँ। बता दो नहीं आगे, मैंने बताया नहीं क्या? नहीं, मैंने कुणाल का नहीं बताया। कुणाल क्या बन रहा है, चल बता देते हैं। आपको रेंट बता दूंगी, लेकिन बता देती हूँ दो ड्रेस लेके आई थी उसका 1500 रुपये रेंट था। तो आप बताना एकदम सही रेंट लगाया क्या उन्होंने। तो चलो अभी रेडी होते हैं। तो क्या बन रही है राक्षस खाओ खाओ। तो गाइस मैंने आपको तो बता दिया था मैं तो काली माता बन रही हूँ, तो चलो बनते हैं। तो गाइस अब हो रहा है इशू का मेकअप, इसको हम करेंगे काली माता का रूप देंगे मतलब। तो मैं काली माता के रोल में आपको मैंने आपको बताया काजल लिए इसके अंदर। हाँ, दीदी काजल में कुछ मिलाया है फिर? हाँ, ऐसी तेल। अच्छा क्या समझ रखा मुझे आपको नहीं मतलब ऑडियंस को तो पता चलना चाहिए ना, अगर कोई लुक लेना चाहे तो। बता रही हूं तो तू बीच में बोल। बता दो सारा बता दो। काजल के अंदर मैंने तेल डाला जिससे ना मतलब वॉश करने के बाद आराम से उतर जाएगा। आप अच्छे वाले मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी लुक जल्दी दे सकते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो जा, इसे जल्दी से सुंदर से रेडी हो जा। करने वाली दीदी आज खुद से थोड़ी और ऐसे ही आ रही है। यस ये देखो क्या ये वाला रूप देंगे क्या? देख लो। तो गाइस मैंने लुक ले लिया है काली माता का, तो आप देख सकते हो इन्होंने राक्षस बने ये। हाँ था दिखा ना, क्यों तो मत दिखना रे, इसको मत दिखाना, एक बार लास्ट में दिखाएंगे ठीक है। फिर से दीदी क्या कर रहे हो? वो पैर के मेहंदी जो होती है ना रेड कलर के, वो मैं लिपस्टिक से कर रही हूँ। वाह सही लग रही है क्या? अरे आप करो सही नहीं लगे ऐसा हो सकता है। मेरे भी आँख खोलो। आँख खोलो। अरे देखो नहीं दिख रहा। तीसरी बार दिखने देना। तो गाइस अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको सभी का लुक। सबसे पहले मिलाती हूँ मैं काली मैया से। जय काली मैया की जय हो। तो आज मेरा लुक है काली माता के रूप में। तो आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ काली माता के रूप में, कमेंट में जरूर बताना। देर तक व्लॉग में नहीं दिखाया उसे दिखा देते हैं। शिव जी भगवान जय महादेव जय बम बम बोले। गाइस मेरा लुक है शिव जी भगवान का, तो आप मेरा लुक देख के बताओ कैसा लग रहा है। ऐसा डमरू बजाया भोले नाथ ने तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे राक्षस। हां
लाइक करना चाहिए। अरे डरा रहा है ये तो। चलो चलते हैं शूट पे, चलते हैं अभी अभी गाइस, हम शूट पे जा रहे हैं और शूट वगैरह करके मिलते हैं आपसे। मैं ऊपर चला गया स्टार्ट करा करो। हाँ कैमरा कन्मु, हाँ कैमरा कन्मु करा करा। हाँ स्टार्ट, हाँ स्टार्ट है, चलो बंद करो। तो गाइस चलो आपको दिखाती हूँ कि हमारी आज की शूटिंग कैसे हो रही है और जो आपको मिलने वाली है रील भी। तो देखो यहाँ पे आग वगैरह लगाई गई है, स्कूटी से तेल निकाला और उसके बाद में पेट्रोल डाल के ऐसे आग लगाई गई है। देखो गाइस ये देखो कैसे हो गया है, पीछे से पेड़ पौधे पत्ते सब लग रहे हैं। बहुत मेहनत वाली शूटिंग है मतलब आज की। तो गाइस हमने हमारा काम कर दिया है, अब आप भी अपना काम कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। मारते मारते हमें। तो गाइस आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ काली माता की स्टोरी। तो गाइस हुआ क्या ना था, कि नवरात्रि पे काली माता को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस काली माता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी, इसलिए वो दानवों के साथ इंसानों का भी नष्ट करने लगी थी। तो शिव जी को एक ही उपाय लगा कि अगर वो उनके नीचे आके पैरों के नीचे आ जाते हैं तो काली माता शांत हो सकती है। तो वो नीचे आकर सो गए और काली माता ने जैसे ही उनके ऊपर पैर रखा वो शांत हो गई और उनकी जीभ बाहर आ गई। तो जोर से बोलो एक बार, काली मैया की जय, हर हर महादेव। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। एक